वेलकम टू वेदिका क्लासेज। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 गणित में एक चर वाले रैखिक समीकरण। दिनांक हो गई आज अपने 26 अगस्त 2021। पहला क्वेश्चन अपना है, सोनू मोनू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है अपन को 3:7, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग अगर 82 हो जाता है तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए, अपन अनुपात दे रखा है तो अपन मानेंगे सोनू की वर्तमान आयु 3x, मोनू की 7x। 6 वर्ष बाद बोला है तो दोनों में अपन 6-6 जोड़ देंगे। फिर प्रश्नानुसार अपन ने दोनों का योग दे रखा है, भाई 3x प्लस 6 प्लस 7x प्लस 6 बराबर 82। अब इनको सरल करेंगे तो 6x अपना 12 हो जाएगा, 3 और 7 10x हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो 10x बराबर 82 माइनस 12, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 17/10, यानी x का मान आ जाएगा अपने पास में 7। तो अपन जैसे ही 7 का मान समीकरण में x की जगह रखेंगे तो सोनू की वर्तमान आयु 3x, मोनू की 7x, तो यहाँ पे 21 व 49 ईयर्स। इसी तरीके से अपन इसका दूसरा क्वेश्चन देखें तो ध्यान से देखिएगा, 20 वर्ष बाद सपना की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाए तो सपना की वर्तमान आयु क्या होगी 20 वर्ष बाद। ठीक है, तो माना उसकी वर्तमान आयु अपने x है, तो 20 वर्ष बाद यानी x प्लस 20 और वर्तमान आयु की 5 गुनी यानी x इंटू 5 यानी 5x हो जाएगी। अब देखिए, x एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे अपन तो 5x माइनस x बराबर 4x हो जाएगा, 4x बराबर 20, तो x बराबर बच जाएगा अपना 5। तो वर्तमान आयु कितनी होगी सपना की, 5 वर्ष। इसी तरह के अपन अपना तीसरा क्वेश्चन देखें तो एक परिमेय संख्या को 3/4 से गुणा करके 5/6 जोड़ने पर 7/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, माना आपने वह संख्या होगी अपनी x है, तो प्रश्नानुसार देखिए अपन उसमें पहले गुणा क्या करेंगे, 3/4। देखिए, x मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 5/6 बराबर 7/8 अपन को दे रखा है। x की राशि को अपन एक तरफ रखेंगे, जो भी ना अपन उसको पक्षांतर कर देंगे, प्लस की जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 24 यानी 24 एलसीएम प्राप्त होगा अपन को। एलसीएम जोड़ेंगे तो यहाँ पे 21 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 1/24 यानी 3x/4 बराबर 1/24 है। एक तरफ x रखेंगे, यहाँ पे भी नया पक्षांतर होगी तो 4/3 हो जाएगा, 4 से 24 को काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा अपना 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपना 18, यानी x का मान क्या आ जाएगा अपना 1/18 भिन्न प्राप्त होगी। इसी तरीके से अपना चौथा क्वेश्चन देखें, गार्गी के पिता व उसकी दादा से यानी गार्गी के जो पिताजी हैं वो उसके दादाजी से 20 वर्ष छोटे हैं तथा उससे 30 वर्ष बड़े हैं। यानी गार्गी की देखिए, गार्गी के पिताजी की तुलना हो रही है उसके दादाजी से 20 वर्ष छोटे हैं, जबकि पिताजी की तुलना हो रही है उसके गार्गी से जो 30 वर्ष बड़े हैं। यदि इन तीनों की आयु का योग अपने 140 है तो अलग अलग आयु ज्ञात करें। तो माना गार्गी की आयु कितनी हो जाएगी अपने x, और पिताजी 30 वर्ष बड़े हैं तो x प्लस 30, और दादाजी पिताजी से 20 वर्ष है छोटे हैं तो दादाजी बड़े हो जाएंगे तो x प्लस 30 प्लस 20 यानी x प्लस 50 प्राप्त होएगा। देखिए, तीनों का योग अपन को दे रखा है कितना, 140, तो प्रश्न अनुसार x, x प्लस 30 और x प्लस 50 बराबर 140, एक्स हो जाएगा 3x और 30 और 50 80 बराबर 140। अक्षी को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 60/3 यानी x का मान कितना हो जाएगा 20 वर्ष। यानी अपन x किसको माना है, गार्गी को माना है, तो गार्गी कितने सालों की होगी अपने 20 वर्ष की होगी। पिताजी कितने हो जाएंगे 20 प्लस 30 यानी 50 वर्ष के, और दादाजी में 20 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे अपने हो जाएंगे 20, 50 और यहाँ पे अपन 20 और जोड़ देंगे तो 70। यहाँ पे अपने देखिए, गार्गी की आयु हो जाएगी 20 वर्ष, पिताजी की आयु 20 प्लस 30 यानी 50 वर्ष, और दादाजी की आयु 70 वर्ष प्राप्त होगी। आगे देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। किसी थैले में लाल व काली गेंद है, लाल व काली गेंदों की संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7। यदि काली गेंदों की संख्या लाल गेंद की संख्या से 6 अधिक है तो थैले में कुल गेंदों की संख्या ज्ञात करो। तो माना गेंदों की संख्या अपने 5x और 7x अनुपात दे रखा है तो अपन उसको अनुपात के रूप में मान लेंगे 5x में 7x। अब देखिए, दोनों का अंतर दे रखा है यानी ये अधिक कौन सी है, जो काली है वो लाल से अधिक है, तो लाल में से जब काली घटाएंगे तो अपने पास में
जैसे देखिए 7x माइनस 5x यानी काली में से लाल घटाएंगे तो कितनी प्राप्त होगी अपन को, 6 प्राप्त होगी। इसी को सॉल्व करेंगे तो जैसे अपन देखें 7 में से 5 जाएंगे 2x बराबर में 6 है, x बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3, यानी x का मान कितना आ गया 3 आ गया, 3 रखेंगे यहाँ पे तो 5 3 15 और 7 3 21, यानी लाल गेंद कितनी है 15, काली गेंद कितनी है 21, दोनों को योग कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 36। ये था अपना सॉल्यूशन। विद्यार्थियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।